नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के पूर्वी टुंडी में बन रहे NH 419 सड़क निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण मामले में रैयतों की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज अंचलाधिकारी देवराज गुप्ता, टुंडी विधानसभा क्षेत्र के नेता विदेश दा, NH 419 के पदाधिकारियों एवं रैयतों के बीच समीक्षा बैठक हुई, जिसमें NH 419 के रास्ते में आने वाले जमीन, दुकान, मकान के मुआवजे एवं 50 फीट भूमि अधिग्रहण की बजाय 150 फीट भूमि अधिग्रहण करने के आरोपों और नियोजन में स्थानियों की 70% भागीदारी आदि मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि मामले का जब कोई हल नहीं निकला तो अंचलाधिकारी ने रैयतों से अपने कागजातों के साथ आवेदन करने को कहा और उम्मीद जताई कि आगामी बैठक में ये मामला सुलझ जाएगा। तो हमारे पूर्वी टुंडी अंचल में जो NH चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, इसमें बहुत सारे रैयत जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है या जिनकी दुकानें जा रही है या जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको इस प्रोजेक्ट से लेकर कुछ कुछ शंकाएँ थी और कुछ कुछ शिकायतें थी, उसी के निराकरण के लिए उद्देश्य से एक मुझे ये मिला था, ज्ञापन मिला था विदेश श्री विदेश दादक के नेतृत्व में और रैयत लोग आए थे, तो उसी के उद्देश्य से ये बैठक रखी गई थी। इसमें NH के परियोजना निदेशक थे और त्रिवेणी इंजीकॉम जो कॉन्ट्रैक्टर है इस परियोजना के, उनके प्रतिनिधि थे यहाँ और रैयत लोग भी थे। उन्होंने बारी बारी से जो है अपनी समस्याएं रखी, तो इन समस्याओं से वो अवगत हुए और ये इस बात में सहमत हुए कि सभी रैयत जो है अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर अपना जो शिकायत जो भी है उनको या जो भी जानकारी लेनी है, क्योंकि पारदर्शिता जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो लोग सहमत हुए हैं कि आगे से जो भी तरह का समस्या है या जो भी है वो अंचल में भी देंगे और DLO ऑफिस में भी जो है अपना समस्या रखेंगे, ताकि और हम लोग जांच करके उसका इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। जो फोन इनका जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें जनता को जो समस्या थी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, उसमें जनता ने अपने बातों को रखा और अभी जो उनके कुछ समस्याओं का निराकरण किया गया और बोला गया है कि जो भी समस्या वो इंडिविजुअल अगर है तो वो जो है वो अर्जन में और जो CEO साहब को पिटिशन दिया जाए, और कुछ जो उनको जो डिफिकल्टी थी उसको जो है हमने NH का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको क्लैरिफाई किया है, और बाद में कुछ में फिर अभी और कुछ समस्या रहेगी तो वो नेक्स्ट मीटिंग में छोड़ते हैं। आज CEO साहब, पूर्वी टुंडी CEO साहब के पहल पर, उनके अगुवाई पर यह बैठक हुई। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबों की बात को ये भू अर्जन पदाधिकारी NH के लोगों को और कंपनी के लोगों को यहां ला के बैठाए और हम लोगों से वार्ता हुई, और मोटा मोटी वार्ता ठीक ही है, लेकिन अभी बहुत सारा बिंदु क्लियर होना बाकी है, और जब तक ये सारे बिंदु क्लियर नहीं हो जाते हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे।